हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीजीआई सेंटर का नींव पत्थर रखने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से पिछली बार की 73 सीटों के मुकाबले 74 या इससे अधिक सीटें जीतने का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि यूपी जीतकर केंद्र में एक बार फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और फिर से मोदी सरकार देश में सत्तारूढ़ होगी। ऊना में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नड्डा ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाने का दावा करते हुए कहा कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक जबरदस्त रुझान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ सारे देश में सभी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। लोग चाहते हैं, भारत की जनता चाहती है कि एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने और वह देश को जिस तरीके से उन्होंने 5 साल में आगे बढ़ाया है उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे लंबी छलांग लगाए, ऐसी आकांक्षा लोगों के बीच में है। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार हमें 73 सीटें आई थी, इस बार 73 नहीं 74 और उससे ज़्यादा आएंगी। बहुत ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों में स्पष्टता है, लोग एक मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली सरकार, ऐसी सरकार चाहते हैं और उन सबको विश्वास है कि ये मोदी जी दे सकते हैं। इस कारण से सब लोग मोदी जी के साथ लगे हैं। जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने के विषय पर कहा कि खुद पर अविश्वास वाले नेता ही ऐसे सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की भी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी की इस कूटनीति के कारण ही पाकिस्तान चौतरफा चित हुआ है। जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। सेना ने जिस तरीके से भारत की रक्षा की है और इतिहास इस बात का गवाह है, मुझे लगता है कि हर देश प्रेमी को इन बातों की तरफ न ध्यान देना चाहिए और न ऐसी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है और उस दृष्टि से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान भी जानता है कि उसकी स्थिति कैसी है, पिछले दिनों में वो दबाव में कैसे आया है, ये मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय नीति का स्पष्ट प्रमाण है। जो वो लंबे समय तक बातों से अपने सच्चाइयों से को झुठला रहे थे वह आज उन पर कार्रवाई करने के लिए आमदा हुए हैं, विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं, यह इस बात का द्योतक है। एच टुडे के लिए ऊना से मल्लिक की रिपोर्ट।